हेलो फ्रेंड्स, ये रिवीट 2021 है। सो आज के ट्यूटोरियल पे रहेगा बेस्ट प्लेट रिलेटेड ट्यूटोरियल रहेगा। उसी में बेस्ट प्लेट प्लेट प्लेसिंग कैसे करना है, कॉलम कैसे प्लेस करना है वो करना है। ओके, सो अभी मॉडल्स पे न्यू में जाना है। न्यू में टेम्पलेट चूज करना है, इंडियन टेम्पलेट, इंडियन इन्वायरमेंट का, लाइक स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट लिखा है। ओके, IND एंड इंग्लिश इनिशियल। ओके, इसको ओके करना है। सो मेरे केस में एक्चुअली मेरा टेम्पलेट लोअर वर्जन है और मेरा सॉफ्टवेयर है 2021, सो उसी में वो अपग्रेड कर रहा है। सो प्लीज इधर वेट कीजिए। ओके, इंटरफेस आपको पता चल रहा है, ये रिवीट 2021 है। ये टैब्स है, ये सब टैब्स है सभी, और ये प्रॉपर्टीज आपको पता चल रहा है, और ये प्रोजेक्ट ब्राउजर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट ब्राउजर और ड्राइंग एरिया। सो ड्राइंग एरिया पे आपको डिफॉल्ट मिलेगा वाइट, आप उसको चेंज कर सकते हो ब्लैक। फिर वो कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। फाइल पे जाना है, ऑप्शंस और ग्राफिक्स सेलेक्ट करना है, और कलर्स एरिया में जाकर ब्लैक, अभी मैं ऑलरेडी चेंज किया उसमें, फिर से चेंज करूँगा, वाइट लेना है, देन ओके। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये हो गया बैकग्राउंड, ये आपको डिफॉल्ट देगा, आपको इसको चेंज कर सकते हो। अगेन फिर से जाएंगे, मैं अभी चेंज करूँगा ब्लैक, मुझे ब्लैक की बैकग्राउंड कंफर्टेबल है, सेलेक्ट करना है। ओके ओके, सो अभी लेवल 1 पे जाएंगे, ये हो गया। ओके, लेवल 1 पे जाएंगे, डबल क्लिक्स। ओके, एंड ग्रिड प्लेस करेंगे फॉर रेफरेंस के लिए, GR शॉर्टकट की है, GR सॉरी GR। एस्केप, कैंसिल। ओके, अभी ये हो गया ग्रिड प्लेसिंग्स। अभी नेक्स्ट लेंगे कॉलम्स, कॉलम के लिए शॉर्टकट की है, स्ट्रक्चरल कॉलम के लिए शॉर्टकट की है CL, आप इधर प्लेस कर सकते हो। ये हो गया, एस्केप एस्केप प्रेस कीजिए, एस्केप। ओके, सो अभी अपना बेस प्लेट का कॉलम्स MC 400 है, ISMC 400 है। ओके, सो अभी फैमिलीज में लोड करेंगे फैमिलीज। सो टैब में जाना है, टैब में इंसर्ट लेना है, लोड्स, लोड्स में ये आप करो। अब मैं दिखाऊंगा आपको इंडियन स्पेसिफिक कौन सा लेना है, बैक करना है, ये इंडियन इन्वायरमेंट रहेगा, आपको लोड करने के बाद पता चलेगा, लोड करने के बाद इसी पाथ में जा सकते हो तुम। सो स्ट्रक्चरल कॉलम्स डबल क्लिक, स्टील, इंडियन स्पेसिफिक, और इसी कैटेगरी में SFC कॉलम्स कैटेगरीज में ये लेना है। ओके, और ये .RFA इसका एक्सटेंशन, फैमिली का एक्सटेंशन है, रिवीट फैमिली एक्सटेंशन, RFA, R मीन्स रिवीट, FA मीन्स फैमिली। ओके, इसको सेलेक्ट किया, ओपन करना है। ओके, और मैं भी MC 400 लूंगा, MC 400 है, ओके करना है, लोड हो गया है। ओके, सो इसी को क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है, और ISMC 400 लेना है। ओके, अभी ग्रिड से 250, इस ग्रिड से राइट से 250 और लेफ्ट से 250। ओके, सो मैं DL का
कमांड रहेगा प्लेस डिटेल लाइंस। ओके, इसी में ऑप्शन दिया हुआ है, चूज कर सकते हो, पिक लाइन चूज करना है। ओके, और ऑफसेट लेना है 250। ये हो गया, अपना माउस आइकन लेकर जाना है ग्रिड पे, आपको पता चलेगा, क्लिक क्लिक, एस्केप, कैंसल, सेलेक्ट करना है और इसको मूव करना है, इसी एज में शिफ्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, एम बी, ये रहेगा दिस टाइम। ओके, और इसको सेलेक्ट करना है, एमएम, शॉर्टकट की है एमएम, मिरर कॉपी करना है, इसके लिए शॉर्टकट की है एमएम, इसको ग्रिड को सेलेक्ट करना है, एक कॉपी होता है, एस्केप, सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल से सेलेक्ट करना है, ये सिंगल सेलेक्ट और ये कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करना है। अभी देखो, अभी जाना, सॉरी, एक्सेप्ट करना है फिर से, प्रोजेक्ट ब्राउजर पे साउथ पे जाना है, साउथ एलिवेशन। आप देख सकते हो कि कॉलम प्लेसिंग करने के बाद किधर गया, डिफॉल्ट रहता है वैल्यूज को फॉलो करना है। सो अगेन इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, ओके, एंड ये टॉप लेवल ये रहेगा, ओके, ये बेस्ट लेवल ये रहेगा और टॉप लेवल ये रहेगा। फिर अभी फर्स्ट थिंग, पहले टॉप लेवल को तुम लेवल 2 लेंगे और लेवल 1 तो रहेगा, और इसको 0, जस्ट क्लिक, जस्ट इंटर, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉलम प्लेसिंग का, अभी लेवल 1 पे जाएंगे, ओके, और ये भी डिलीट करेंगे रेफरेंस के लिए, शॉर्टकट की है डिलीट करने के लिए डी, ओके। अभी बेस्ट प्लेट प्लेस करेंगे, टैब में स्टील में जाएंगे और प्लेट सेलेक्ट करेंगे, ओके, एंड रेक्टेंगल्स से ऐसे क्लिक करना है, फर्स्ट क्लिक और लास्ट क्लिक, और जस्ट इधर वैल्यू देना है अकॉर्डिंगली। मेरा बेस्ट प्लेट साइज रहेगा 750 by 650 एंड थिकनेस रहेगा 25 mm थिकनेस। ओके, अभी मैं 650 लूँगा और इससे दूंगा 750। ओके, ये हो गया, इसको ये क्रेट प्लेट के अंदर मोड पे टिक फिनिश एडिट करेंगे। ओके, ये हो गया, ठीक है, अभी हो गया, ठीक है, ये फाइन लेंगे, फाइन, और वायर फ्रेम लेंगे, आपको पता चलेगा, और इसको विंडो सेलेक्ट करेंगे, इसको और शॉर्टकट की इसको मूव करना है, सेंटर में लगाना है, एम पी, जस्ट लाइक, ओके, हो गया क्लिक, ये हो गया, ये शिफ्ट हो गया, और इसको सेलेक्ट करना है, और इसका थिकनेस लेंगे, ये थिकनेस आपने अपडेट करना है, डिफॉल्ट रहेगा 12.7, प्रॉपर्टीज में थिकनेस सेलेक्ट करना है, 25 mm थिकनेस, ओके, ये हो गया, ओके, साउथ में जाएंगे, ओके, ये शो नहीं हो रहा है, जैसे फाइन, ओके, देखो, ये अभी कॉलम्स है, ये भी शिफ्ट करेंगे, सेलेक्ट, अभी इसको भी सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में जाना है, और बेस्ट प्लेट ऑफसेट 25 mm वैल्यू देना है, जस्ट वैल्यू देता है, ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, लेवल 1 ये हो गया, ओके, सी, ओके, अभी फ्रेंड्स, अभी कॉलम प्लेस हो गया, बेस्ट प्लेट साइज फाइनल हो गया, और उसका थिकनेस भी फाइनल हो गया, ओके, सो अभी स्टिफनेस प्लेसिंग करेंगे, ओके फ्रेंड्स, सो अभी उसके लिए, ओके, अभी आर्किटेक्चर्स और रेफरेंस लाइन, रेफरेंस प्लेन, उसके लिए शॉर्टकट की है आरपी, आपको पता चलता है, ओके, इसे सेलेक्ट, क्लिक करना है, ओके, ये ऐसे रेफरेंस के लिए लेना है, ओके, और इसको
नेम देंगे इसको क्लिक, और इसको साइट स्टिपनर स्टिपनर 01 देंगे नेम। ओके ये हो गया, एस्केप सेलेक्ट करना है, इसको स्लाइटली से ट्रैक करो इधर से। ओके ये हो गया, ठीक है। अभी अभी इसके एलिवेशंस प्लेस एलिवेशन सेट करेंगे, मींस साइड एलिवेशन। आप टैब में व्यू में जा सकते हो, व्यू में ये लेना है, सेलेक्ट करना है इसको, और फ्रेमिंग एलिवेशन। अभी जस्ट देखो क्लिक करना है ग्रिड करने के बाद। ओके डबल क्लिक, ये अभी जस्ट ऐसे ये क्रॉप है, मतलब आई मीन ये आपको प्रॉपर्टी पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टीज में। अभी सेलेक्ट करना अगेन, ड्रैग स्लोली, सी एक्सटेंड क्रॉप व्यू, क्रॉप रीजन विजिबल। आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं ना ये। ओके और इसका भी इसी एलिवेशन में जाएंगे, डबल क्लिक, ये हो गया। सो इसी आने के बाद फर्स्ट थिंग स्केल सेलेक्ट करेंगे 1:15, और सेटिंग करेंगे व्यू के डिटेल्स, फाइन और वायर। ओके क्लियर। सो अभी बेस्ट प्लेट सॉरी स्टिपनर प्लेट प्लेसिंग करना है। ओके से बिफोर आप प्लेसिंग बिफोर अभी इसको सेट करना है, पर वर्क सेट सेट, और ये पूछेगा, एक विंडो आएगा वर्क प्लेन रिलेटेड, आप स्पेसिफिक न्यू वर्क प्लेन। अभी देखो ये रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट किया है, यू रिमेम्बर साइड स्टिपनर प्लेट दिया है, इसमें सेलेक्ट करना है और ओके ये हो गया वर्क सेट फाइनल। ओके अभी स्टिपनर देना है आपको, सेम पिछले टैब में जाना है, स्टील प्लेट देना है। ओके और ये सेलेक्ट करना है। ओके इधर से एक बेस्ट प्लेट से इधर से 10 mm लेना है, जस्ट ऐसे 10 mm ये हो गया, और इसका हाइट रहेगा अराउंड स्टेप हाइट अराउंड इज 200, एंट्री करना है 200, एस्केप करो। ओके और ये सेलेक्ट करना है, इसको डिलीट करना है, DE, इसको सेलेक्ट करना है, MF, यू नो आपको बता दिया था मैं कि मिरर कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है MF, इसको सेलेक्ट करके MF करना है, जस्ट लाइक ऐसे, ये हो गया। ओके ओके सो अभी फिर से लाइन लेना है जिसमें ये क्लिक हो गया। ओके अभी अभी इधर से एक 10 mm लेना है, ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट 10 mm। ओके ओवरलैप का वार्निंग दे रहा है, ओके ये डिलीट करना है, डीई। ओके ये लाइन देना है फिर से अगेन, इधर भी एक 50 mm का हाइट लेना है। ओके ये ओवरलैप का वार्निंग दे रहा है, ये डिलीट करना है, डीई शॉर्टकट की डिलीट सेलेक्ट करना है, ये ऐसे देना है। ओके ये हो गया, ओके ये भी डिलीट करना है, अभी ये ऑलरेडी है, ये जस्ट सेलेक्ट करना है दो लाइन, और शॉर्ट कॉपी मिरर करना है, शॉर्टकट की आपको पता है MM। ओके और इसको ट्रिम ट्रिम कमांड देना है, एक्सटेंड करना है वो ऐसे, और ये लाइन लेना है सेलेक्ट करके, ऐसे लाइन लेना है। ओके एक साइड का स्टिफनेस फाइनल हो गया, इसको ओके करना है। ओके
अभी अगेन फाइन फ्रेम, ये देखो प्लान पे जाएंगे, अभी फर्स्ट थिंग्स लेवल वन पे जाएंगे, अभी हो गया ऐसे, इसको सेलेक्ट करना है, अलाइन करना है, तो अलाइन के लिए कमांड है AL, ये भी प्लेट के लिए सेलेक्ट हो रहा है, सो अभी ये प्लेट के लिए स्टीपनर प्लेट सेलेक्ट करेंगे, और MV से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, MV, देन सेलेक्ट करना है, ऐसे शिफ्ट करना है इसको, हो गया। आप 3D में देख सकते हो, 3D में जाएंगे, 3D डिफॉल्ट में, ओके, ये शो नहीं हो रहा है, तो इधर से फाइन शेडेड, ओके आ गया। सो अभी लेवल वन पे जाएंगे, ओके इसको सेलेक्ट करेंगे, और MM ऐसे आप 3D में देख सकते हो, ओके ये हो गया डेट का, ओके अभी साइड स्टिफनर्स प्लेसिंग करेंगे, ओके मतलब इधर एक आएगा साइड पे, इस साइड पे सेम मिरर, ओके अभी सेम, अभी ये प्लेस एलिवेशन किया दिया है, एलिवेशन डेवलप करें, टैब में जाएंगे और व्यू में एलिवेशन फ्रेमिंग, फ्रेमिंग एलिवेशंस दिस लाइन, ये इसको क्लिक करना है, ओके ये हो गया एलिवेशन, और अभी फिर से ये रेफरेंस लेंस, ये भी अपने को लेना है इधर से, फिर से आर्किटेक्चर्स ये लेना है, शॉर्टकट की आपको बताइए, ओके ये भी सेलेक्ट करना है इसे, और इसको रीनेम करना है साइड स्टिफनर 02, ओके इसको सेलेक्ट करना है, व्यू में जाएंगे, डबल क्लिक हो गया, अभी ये होने के बाद स्केल चूज करेंगे 50 और फाइन, ओके वायर फ्रेम्स हो गया, प्लेसिंग करते समय बिफोर आपको पहले फर्स्ट वर्क सेट करना है, सेलेक्ट करना है, ओके ये भी साइड स्टिफनर्स 02, ओके करना है, ये हो गया, फिर आपको स्टिफनर्स ड्रॉ करेंगे, टैब में स्टील लेना है और प्लेट लेना है इधर से, सेलेक्ट लाइंस, ओके फर्स्ट थिंग इधर से हो गया, और इधर से 50 और इधर से लाइक 10 mm, देन अगेन ऐसा देख सकते हो, और एक लाइन देना है, मीन्स ऐसे ओके इसको सेलेक्ट करना है कि मिरर कॉपी करना है अपने को, 1, 2, 3, 4 विंडो सेलेक्ट करो इसको, ओके और शॉर्टकट की है मिरर कॉपी के लिए ML, एस्केप, ओके और इसको ओके करना है, मोर देन वन टॉप नॉट अलाउडेड, कंट्रोल जेड किया मैं, आई थिंक इधर तो लाइन कंट्रोल जेड
ये भी सो डिलीट करूँगा मैं। ओके अभी ये ओके करेंगे हो जाएगा। अभी इसका लेवल वन में जाएंगे, पता चलेगा लेवल वन क्या। ये हो गया अपना लेवल वन। और ये सेंटर में प्लेस करेंगे। MV शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की है, ऐसे प्लेस करना है। ओके एक मिस हो गया फ्रेंड्स, प्लेट के थिकनेस फाइनल नहीं हो गया क्या नहीं। ओके अभी इधर स्टिफनर्स, फेस प्लेट का फाइनल हो गया बट स्टिफनर के लिए फाइनल नहीं हुआ। फिर आप बेस स्टिफनर के सभी प्लेट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करना है। और इधर थिकनेस लेंगे अराउंड 12 mm। ओके डियर फ्रेंड्स सॉरी ये मेरे से मिस हो गया। ओके अभी डिसलेक्ट करेंगे इसको और मिरर कॉपी करेंगे। शॉर्टकट की है MM। आ गया। अभी ये स्टीपनर्स और एक इधर ही कॉपी कर गए, इधर प्लेस करेंगे सेम लाइन राइट साइड पे भी। ओके देन बाद में वो मिरर कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है CO, शॉर्टकट की है कॉपी करने के लिए CO। ये हो गया। इसको अलाइनमेंट करेंगे, अलाइनमेंट ही चेक करेंगे इसका है कि नहीं अलाइनमेंट। AL। ओके आ गया, फाइनल लेवल पे था। इसको सेलेक्ट करेंगे और MM आ गया। इसको सेलेक्ट करेंगे, MM। ओके स्टेप वन्स। ओके आप 3D भी देख सकते हो। शिफ्ट कीबोर्ड का शिफ्ट और माउस का मिडिल बटन से तुम ड्रैग कर सकते हो, जस्ट रोटेट कर सकते हो स्लोली। ओके फ्रेंड्स सो आगे के ट्यूटोरियल्स इसके बोल्ट के होल्स रहेंगे वो हमें मैं प्लेसिंग करके दिखाऊंगा बाद में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल रहेगा। ओके सो इसी बेस पे आप प्रैक्टिस करो वन बाय वन, फर्स्ट थिंग की इंटरफेस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके लो एंड देन बाद में फिर कॉलम प्लेस करना है। कॉलम प्लेस से बिफोर क्या करना है, लोड करना है फैमिली MC चैनल 400 का। सो प्लेस करना है होने के बाद ऐसे सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, वैसे प्लीज फॉलो करके जाओ। ओके डियर थैंक यू।